स्वागत है दोस्तों एकदम नए ब्लॉग में। तो आज नवरात्रि का चौथा दिन और मैं और अथर्व भाई हो गए हैं रेडी। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं उमिया धाम, आपने थंबनेल में जैसे देखा ही होगा। एक्चुअली हम दोनों ही नहीं, हमारा प्लान तो 10 बजे निकल रहे थे बट अभी 11 तक के हमें रुकना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हमारे बाकी के फ्रेंड्स और हमारी ग्रुप और बड़ा हो गया। मीन्स पहले जाते हम 4 जन रहे थे तो चारों तैयार थे, बट उसके बाद भी सब लोग बोले कि हमको भी आना है, अपन सबको लेने वाले लेके चलते हैं, अपने दोस्त हैं सब। फील भी वैसी आती है क्योंकि ज़्यादा लोग रहेंगे तो मज़ा भी आती है। तो बस सब लोग अभी आ रहे होंगे नीचे, तो हम लोग अभी नाश्ता वास्ता करके आ गए। तो 10 बजे का प्लान था तो अपन 9:40 को नीचे उतर गए थे बट अभी 11:15 हो गए और निकलना अभी भी बाकी, हम सोसाइटी में ही अटके हुए हैं और लिटरली अभी से टायर्ड लग रहा है थोड़ा बहुत। अभी चलते अभी हो गया क्योंकि आ रहे हैं लोग। और उमिया धाम वन ऑफ द बेस्ट मंदिर है बोलते हैं नागपुर में, बट अभी वो भी नहीं कन्फर्म कि चालू है कि नहीं है, बट तब लोग तैयार तब बहुत खुशी से हुए, कुछ नहीं तो बाहर से माता टेक के आएंगे, दर्शन करके आएंगे। नारे बोलो तो दोस्तों बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है आज का दिन लिटरली। तो अभी चल रहे अपन ग्राउंड साफ करने इतने अंधेरे में, क्योंकि आज से गरबा चालू करना है, थोड़ा सा कम बाकी है, फिर लाइट वगैरह लगा के चालू कर देंगे। तो दोस्तों ये है मेन मंदिर का एंट्रेंस और इधर है गार्डन वगैरह। चल अथर्व, अपन ने अभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिए तो बस सब लोग अभी निकले तो थोड़ा सा फोटो वगैरह खींचते बोले, उसके बाद घर निकलेंगे। तो सच में रियर बहुत प्यारा एनवायरनमेंट है यहाँ का भी और शांति है। पहली बात हमने पूरा कचरा कर दिए दोस्तों, एक बार देख लो। तो समय आ गया है ये वाली प्लेस को अलविदा कहने का, मीन्स आएंगे अपन घर के पास में, ज़्यादा दूर तो है नहीं घर से, कुछ 6 किलोमीटर पड़ा, अपन शॉर्टकट मारे तो 5 या 6 किलोमीटर पड़ा, ज़्यादा दूर नहीं है तो कभी भी आ सकते हैं। तो चलते हैं अभी क्योंकि दोपहर हो गई है, धूप भी बढ़ रही है, किसी ने खाना भी नहीं खाया सब नाश्ते पे, वैसे तो पेट भरा हुआ है, बट चलते हैं घर क्योंकि इवनिंग में भी गरबा खेलने वाले, तो ग्राउंड भी थोड़ा सा साफ करना बाकी है, तो भी काम रहेंगे थोड़ा देर, सब लोग नींद लेंगे फ्रेश होकर वापस नीचे आने वाले। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है आज का दिन लिटरली। तो अभी चल रहे अपन ग्राउंड साफ करने इतने अंधेरे में, क्योंकि आज से गरबा चालू करना है, थोड़ा सा कम बाकी है, फिर लाइट वगैरह लगा के चालू कर देंगे। अरे अरे मारने को ना दोने जैसा है खत्म। हेलो लाइट के, हम तुम्हारे आगे हैं, नहीं हम तुम्हारे पीछे हैं, आगे हैं, आगे बोले 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 बोले। सो दोस्तों ये देखो, यहाँ इतना बड़ा इंसान होने के बाद भी यहाँ दोस्ती का गलत फायदा उठाया जा रहा है, हमसे काम करवाया जा रहा है। तो ये देखो यही है वो भोली शक्ल, मुझे 1.5 घंटे से घर नहीं जान दिया बंदे ने, तो जब से घर जाने के लिए तड़प रहा हूँ मैं, अरे अपना डब्बा उठवा रहे मुझसे,
तो ऐसे भी रहते कुछ दोस्त। ये हमारा गरबा का ग्राउंड है, जब दो दिन की तीन दिन की मेहनत थी आज हो गई लगन लाइन। तो फोकस लग गए रे। तो आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। गोली बेटा मस्ती ना है, गोली बेटा मस्ती ना है। अबे साले तौबा तौबा तौबा। तो दोस्तों 11:30 अभी बज चुका है और बात ऐसी हो गई है कि आज अपन ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाएंगे, सॉरी, क्योंकि अपने को सोना है जल्दी आज, क्योंकि अपन जा रहे हैं कल सुबह कोराड़ी, तो दूसरी गाड़ी में अपने को जल्दी सोना है क्योंकि 3:30 उठना है सुबह। अभी 3-4 घंटे की नींद होगी सिर्फ। सो गुड नाइट, स्टे सेफ, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग और चलो जय माता दी।